वेलकम इन दिस वीडियो। तो भैया बिग बॉस सीजन 16 में दो वाइल्ड कार्ड एंट्री या तो हो ही चुकी हैं, तो भैया इसके बाद इस वीकेंड पर तो इविक्शन होना ही चाहिए, क्योंकि मतलब घर में भीड़ ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे में भैया इस बार कौन कौन नॉमिनेट है और इस बार आखिरी पायमान पर कौन है जरा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर चैनल पर नहीं तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो भैया नंबर वन पर है हमारी प्रियंका चहर चौधरी और प्रियंका को फैंस का काफी भारी भरकम सपोर्ट मिल रहा है। अब नो डाउट प्रियंका ही अभी तक ऐसी विनर वाली क्वालिटी लेकर घूम रही हैं और प्रियंका ही ज्यादातर चांसेस हैं कि शो को जीतने वाली हैं, अगर आखिरी मोमेंट पर कोई बड़े से बदलाव ना हो तो। उसके बाद भाई यहां पर सेकंड पोजीशन पर है शिव ठाकरे। वेल देखो बिग बॉस मराठी के विनर रहे हैं चुके हैं शिव ठाकरे, तो ऐसे में शिव ठाकरे को भी काफी ज्यादा सपोर्ट मिला है। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, सेकंड और थर्ड पे है भैया एमसी स्टैम, तो सेकंड और थर्ड में कोई ज्यादा भारी भरकम वोटिंग डिफरेंस नहीं है, ये ऊपर नीचे हो रहा है। वेल यहां पर बताना चाहता हूं थर्ड पर है एमसी स्टैम। एमसी स्टैम मेरे हिसाब से गेम में बिल्कुल पार्टिसिपेट भी नहीं लेते, कुछ इतना मतलब ज्यादा कुछ करते भी नहीं है, और जो गोल्डन बॉयज है वो उनके काफी अच्छे फ्रेंड है, तो जाहिर सी बात है अब एमसी स्टैम के जो घर में इक्वेशन है वो चेंज होने वाली है। तो एमसी स्टैम का एटलीस्ट गेम सामने निकल कर आएगा और तब एमसी स्टैम को काफी भारी भरकम सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। वेल तो भैया बात करें नंबर फोर पर, नंबर फोर पर बनी हुई है तीना दत्ता। वेल देखो तीना दत्ता कह जाता ना, पहले फैंस उनको नहीं सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन फिर बाद में भैया कल के एपिसोड में जब उनका बर्थडे वाला दिन था उसी दिन तीना दत्ता की पूरे घर में सबसे लड़ाई हुई थी, खास उससे निमृत और शिव से, जिसके चलते भैया फैंस को सपोर्ट दे रहे हैं जो भी मतलब तीना दत्ता के फैंस है और जो भी बिग बॉस के फैन है वो तीना दत्ता के लिए वोट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें तीना दत्ता की चीजें काफी ज्यादा सही लगी। और यहाँ पर साजिद खान ने एक बात और कही थी तीना के बारे में कि भैया मार्केट में तीना की कोई वैल्यू नहीं रहा, क्योंकि उनका जो शो आता था उतरंग वो ऑलरेडी 7 साल पहले बंद हो चुका है, मार्केट में वैल्यू है। तो सुम्बुल और निमृत की बताई थी, खैर साजिद खान का तो अलग ही चलता रहता है। तीना के बाद अगर बात करें तो यहां पर बने हुए शालीन भानोत। वेल देखो शालीन भानोत और तीना दत्ता इनमें भी कोई ज्यादा वोटिंग डिफरेंस नहीं है, और शालीन के बाद है यहां पर 6th पोजीशन पर हमारी सुम्बुल टैगोर खान। वेल देखो सुम्बुल टीना और फिर जो भी मतलब इन तीनों के इक्वेशन चलते ही रहते हैं, तो उसी इक्वेशन के हिसाब से इनमें तीनों के तीनों में ज्यादा वोटिंग डिफरेंस भी नहीं है, ऊपर नीचे होते ही रहते हैं। लेकिन भैया जो बंदा क्लियरली 7th पोजीशन पर है वो कोई और नहीं, वो है साजिद खान। साजिद खान ने लास्ट वीक में एक बात कही थी कि भैया अगर मैं कभी भी इविक्ट होता हूँ सॉरी नॉमिनेट होता हूँ तो 100% ये चांसेस होते हैं कि मैं भैया इविक्शन में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं 30 साल से इंडस्ट्री में हूँ। उसके बाद कल के जब यहाँ पर भैया प्रियंका ने साजिद खान को नॉमिनेट किया तो साजिद बड़े कॉन्फिडेंटली ये कह रहे थे कि भाई जो भी प्रियंका चहर चौधरी हैं उन्होंने अपना वोट वेस्ट कर दिया, क्योंकि मैं तो घर से बेघर नहीं होने वाला हूं। लेकिन भैया जब 7 लोगों के नॉमिनेशन में साजिद खान आखिरी पायवान पर होंगे, घर से बाहर जाएंगे ना, तो साजिद के दिल पर क्या बीतेगी। वेल देखो यहां पर क्लियरली अगर इस बार बिग बॉस वाले कोई स्कैम ना करें तो यहां पर डायरेक्टली डोमिनेटिंग तरीके से साजिद खान बेघर होने के कगार पर है और साजिद खान ही घर से बेघर होंगे, बस अगर बिग बॉस वाले कोई पैतरा ना अजमाए साजिद को बचाने के लिए। बाकी जो भी आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना, और आप किसको सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माय अनदर वीडियो।